गांधी नाही तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आहेत देशातील सर्वोच्च नेते. औरंगाबाद मध्ये ओवेसीने खळबळजनक विधान केले. वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने शेतकरी महाअधिवेशन औरंगाबाद शहरातील जबिंदा मैदान येथे झाले. या निमित्ताने भारिप एमआयएम यांच्या आघाडीच्या वतीने आज पहिली सभा झाली. यात ओवेसी म्हणाले की भारताला राज्यघटना ही आरएसएस मोदी गांधी परिवार आणि पवारांनी दिलेली नाही, त्यामुळे त्यांनी संविधान बचावाच्या घोषणा देऊ नयेत. आम्ही संविधानाचा बचाव करण्यासाठी सक्षम आहोत. देशातील वंचित लोकांना संविधानाने बळ दिलं आहे. मोदी सरकारमुळे वंचित बहुजन पीडितांवर अन्याय झाला आहे, मात्र आता वंचित दलित बहुजनांच्या एकीचं बळ दिसेल. आम्ही संविधान वाचवण्यासाठी सक्षम आहोत, त्यासाठी आपल्याला प्रकाश आंबेडकरांना साथ द्यायला हवी, असे आवाहनही त्यांनी उपस्थितांना केले. आज महात्मा गांधी यांच्या जयंती दिनी या सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. दरम्यान देशातील सर्वात मोठा नेता कोण असेल तर ते महात्मा गांधी नसून डॉक्टर आंबेडकर आहेत, असं खळबळजनक विधान यावेळी ओवेसी यांनी केलं. संविधान नहीं था तो इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था. संविधान नहीं था तो उसी को इंसान समझा जाता था जो जमींदार का बेटा है, उसको इंसान समझा जाता था. उसी को तालीम एजुकेशन मिलता था जिसका बाप तालीम याफ्ता होता था. जो मजदूर था, जो मेथर था, जो महार था, उनको इंसान नहीं माना जाता था. ये तल हकीकत है. जब संविधान नहीं था तो हिंदुस्तान तो जरूर था, मगर हिंदुस्तानियों को इंसान नहीं माना जाता था. क्या महाराष्ट्र की तारीख में वाकयात नहीं है कि अगर कोई दलित समाज का शख्स किसी शहर में दाखिल होता तो उसको अपनी पीठ के पीछे एक झाड़ू रखना पड़ता, क्योंकि उसके कदम को भी नापाक समझा जाता. मेरे भाई, क्या महाराष्ट्र ने उस तजारे नहीं देखे कि अगर किसी गरीब मजलूम को किसी पानी के टैंक से पानी पीना पड़ता तो उससे कहा जाता कि तू पानी नहीं पी सकता, तू प्यासा रह सकता है मगर तू हमारे पानी को हाथ नहीं लगा सकता. मगर जब संविधान आया, हिंदुस्तान आजाद तो हो गया, मगर जब संविधान आया तो क्या हुआ? जब संविधान आया तो क्या संविधान आरएसएस ने दिया? बताओ, क्या हिंदुस्तान का संविधान आरएसएस ने दिया? क्या हिंदुस्तान का संविधान मोदी ने दिया? क्या हिंदुस्तान का संविधान फडणवीस ने दिया? क्या हिंदुस्तान का संविधान नेहरू गांधी परिवार ने दिया? तो किसने दिया हिंदुस्तान का संविधान? पुकार कर कहो, किसने संविधान दिया? इतना आवाज लगाओ कि दिल्ली में मोदी चमक कर उठ जाए कि महाराष्ट्र में कौन इनकलाब बर्पा कर रहा है. किसने दिया संविधान? क्या मोदी ने दिया? क्या पवार ने दिया? क्या नेहरू गांधी परिवार ने दिया? जब संविधान अंबेडकर ने दिया तो फिर अंबेडकर के मानने वाले कब तक जुल्म का शिकार हो गए? क्या तुम जालिम से मुकाबला करोगे? क्या तुम प्रकाश अंबेडकर का साथ दोगे? क्या तुम जीतोगे? क्या तुम कामयाब होगे? तो फिर तय कर लो, अब महाराष्ट्र में एक इनकलाब बर्पा होगा इंशाअल्लाह ताला. मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, जब बाबा साहिब ने हिंदुस्तान को संविधान दिया तो बाबा साहिब ने क्या कहा? बाबा साहिब ने कहा इक्वालिटी, इंसाफ. बाबा साहिब अंबेडकर ने कहा अगर कोई शर्मा होगा और महार होगा तो बराबर होगा. बाबा साहिब ने कहा अगर कोई त्रिवेदी होगा और दंगर होगा तो बराबर होगा. बाबा साहिब ने कहा अगर कोई द्विवेदी होगा नहीं होगा तो बराबर होगा.
ये बाबा साहिब अंबेडकर ने किया, ये काम वो आरएसएस के लोग जो 90 साल तक चड्डी पहनने के बाद अब पैंट पहन रहे हैं, ये संविधान उन्होंने नहीं दिया, ये संविधान बाबा साहिब अंबेडकर का बना हुआ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तारीख में नौजवानों में तुमको लेकर जाना चाहता हूं कि जब हिंदुस्तान का संविधान बन रहा था, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आज ये कांग्रेस पार्टी बाबा साहिब का नाम लेती है, मगर क्या ये हकीकत नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहिब को पहली मर्तबा किसने भिजाया? नौजवानों, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कानून साज असेंबली में जब हिंदुस्तान का संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, किसने भिजाया बाबा साहेब अंबेडकर को? कांग्रेस ने, नेहरू गांधी परिवार ने, किसने भिजाया? फिर मुसलमानों ने भिजाया था, बंगाल के मुसलमानों ने भिजाया था। नौजवानों, तारीख को पढ़ो और याद करो जोगेंद्र नाथ मंडल को। जोगेंद्र नाथ मंडल ने बाबा साहिब अंबेडकर को बंगाल लेकर गए और कहा, बाबा साहिब ये महाराष्ट्र के आला साथ के लोग आपको बर्दाश्त नहीं करते, आप बंगाल चलिए, बंगाल का मुसलमान आपको अपने खंधे पर बिठाने के लिए तैयार है। और आज असदुद्दीन अवैसी, मेरे गयूर नौजवानों, तुमसे कह रहा हूं कि जिस तरह बंगाल के मुसलमानों ने बाबा साहिब अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भिजाया, क्या हम अपनी ताकत, अपने शौर, अपने जज्बे की बुनियाद पर प्रकाश अंबेडकर और उनके तमाम साथियों को पार्लियामेंट नहीं भिजा सकते? भिजाना है और इंशाल्लाह हम भिजा कर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आज से अर्ज कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहिब अंबेडकर गए, अंबेडकर बाबा साहिब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कहा कि सब बराबर है, महार और शर्मा बराबर है, जो दाई है वो बराबर है। कहा इक्वालिटी, राइट टू लाइफ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर बाबा साहिब अंबेडकर ने क्या कहा? बाबा साहिब अंबेडकर ने हिंदुस्तान के गरीबों को, बाबा साहिब जानते थे कि मैं तो इस दुनिया से चला जाऊंगा, मगर ये ऑपरेशन करने वाले लोग, ये कमजोरों को दबाने वाले लोगों का राज रहेगा। इसीलिए बाबा साहिब अंबेडकर ने कहा कि मैं तुमको फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस देता हूं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता हूं, मजहबी आजादी की इजाजत देता हूं। और हिंदुस्तान का संविधान हम तमाम को इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने पसंद के मजहब पर चलें, मजहब समझ में नहीं आया तो मजहब को छोड़ दें। ये काम बाबा साहिब अंबेडकर ने किया और हिंदुस्तान का संविधान, जिसको आज बचाने की बात महाराष्ट्र के एक सियासी पार्टी के साहिब कर रहे हैं, साहिब आप क्या बचाएंगे संविधान को? आप तो अपने भतीजे को डूबने से बचाना चाहते हैं, आप अपने परिवार को बचाना चाहते हैं। अरे जो खुद डूब रहा है वो संविधान को क्या बचाएगा? संविधान को हम बचाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम मर मिटने को तैयार है,
और संविधान को वही लोग बचा सकते जो बाबा साहिब अंबेडकर के पैगाम को समझते। संविधान को वही लोग बचा सकते जिन्होंने जात पात के नाम पर नाइंसाफी नहीं की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बाबा साहिब अंबेडकर ने हिंदुस्तान के संविधान के जरिए हम तमाम को, ये वंचित बहुजन समाज को कहा। अंबेडकर, बाबा साहिब अंबेडकर ने क्या कहा 70 साल पहले, सुनो। बाबा साहिब अंबेडकर ने दलितों से कहा, मुसलमानों से कहा, ओबीसी से कहा, मजलूमों से कहा, कमजोरों से कहा, औरतों से कहा, बच्चों से कहा, गरीबों से कहा, मोचियों से कहा, सबसे कहा। अंबेडकर ने क्या कहा कि मैं तुमको संविधान दे रहा हूं, इसमें 4 चीजें जो तुमको लड़कर हासिल करना पड़ेगा। बाबा साहिब ने कहा कि तुमको लड़ना पड़ेगा और तुमको जुद्दोजहद करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपरेशन करने वालों से मुकाबला करना पड़ेगा। वो क्या है मेरे भाई? वो है आजादी, लिबर्टी, आजादी। आजादी चाहते हैं हम, तो कल रात में 9 बजे कोई टीवी चैनल ये ना कह दे कि ओवैसी आजादी बोला। मैं आजादी तुमसे चाह रहा हूं, मैं आजादी तुम्हारे दिमाग में जो मुझसे दुश्मनी है उससे आजादी चाह रहा हूं, मैं तुम्हारी सोच से आजादी चाह रहा हूं, मैं तुम्हारे जुल्म से आजादी चाह रहा हूं, मैं आजादी इसलिए चाह रहा हूं, सुनो मोदी, क्योंकि तुम्हारी हुकूमत, तुम्हारी सोच रखने वाले हम पर जुल्म कर रहे हैं, हमको दबा रहे। अंबेडकर साहब ने कहा आजादी, ये किसने कहा सुनिए, नहीं 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 सुनिए, आजादी टीवी वाले गलत मत लो, कहीं चलाएंगे 120B का केस लगाओ इसके ऊपर, ये भी एंटी नेशनल हो गया, हो गया, मैं पैदा होते ही हो गया, आप क्या देते तुम मेरे को, क्योंकि तुमने बनाया, मैंने नहीं बनाया। हमारी मोहब्बत की दास्तानें इस मुल्क से अगर कभी देखना है ना, तो तारीख के मुकामात को जाकर देख लो, हिंदुस्तान के खबरस्तान हमारी वफादारियों की निशानियां पेश कर रहे हैं। मेरे भाई, फिर बाबा साहिब अंबेडकर ने कहा इक्वालिटी, समानता। सोचो थोड़ी देर के लिए, क्या समानता है, क्या इक्वालिटी है, क्या मसावात है, कहां है ये? तीसरी बात जो बाबा साहिब अंबेडकर ने हमसे कही कि भाईचारा, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, भाईचारा, भाईचारा। बहुजन वंचित समाज के जिम्मेदारों, अंबेडकर तुमसे 70 साल के बाद पुकार कर कह रहा है कि तुम कमजोर हो तो फ्रेटर्निटी पैदा करो, भाईचारा पैदा करो। क्या आप और हम भाईचारा पैदा करेंगे या नहीं करेंगे? भाईचारा पैदा करेंगे तो पैदा करना है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। और आखिरी बात बाबा साहिब अंबेडकर ने कही जस्टिस, इंसाफ। मेरे भाई, इसीलिए ये वंचित बहुजन अगाड़ी बनाया गया है कि इंसाफ मिले, समानता मिले, आजादी मिले और इक्वालिटी मिले। मेरे भाई, आपको इन तमाम चीजों पर गौर करके एक सही फैसला लेना है। अब जब मैं ये बात करता हूं तो कल से आप देखेंगे टीवी चैनल के ऊपर, अखबार में,
एक बात आएगी कि लोग वोट काटना चाहते हैं। वोट काटने के लिए खड़े हुए प्रकाश अंबेडकर साहब, ओवैसी उनके साथ इसलिए खड़ा है कि वोट काटने के लिए खड़ा है। ये जो ओबीसी समाज के जिम्मेदार यहां पर तशरीफ फरमाए, ये तमाम के तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां जिन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर की जिंदगी में उनकी मुखालिफत की, आज कह रहे हैं कि वोट काटने के लिए। मेरे भाई, ए भाई सा ठहर जाओ ना, मौलाना, हाँ इक्वालिटी, बैठो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कल से शुरू हो जाएंगे, बल्कि आज छोड़ दिए। हाँ बैठ जाओ, पूरे बैठ जाओ, इतना लंबा आदमी है नहीं दिखता हूं। बैठो, ए हरी टी शर्ट बैठो। मेरे भाई, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि ये तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां, बीजेपी, मोदी की पार्टी, आरएसएस की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, साहिब की पार्टी, ये सब शुरू हो जाएंगे कल से, वोट काट रहे। मेरे भाई, बाबा साहिब अंबेडकर ने संविधान में हमको वोट डालने का अख्तियार दिया, वोट। और बाबा साहिब अंबेडकर का संविधान दलितों से, मुसलमानों से, बहुजनों से, वंचित समाज के लोगों से अंबेडकर ने कहा वोट डालो। मगर बाबा साहेब अंबेडकर ने यह नहीं कहा कि तुम जिंदगी भर नेहरू परिवार को वोट डालो, तुम मोदी को वोट डालो, फडणवीस को वोट डालो, साहिब को वोट डालो। अंबेडकर साहिब ने दस्तूर में, संविधान में वोट डालने का अख्तियार इसलिए दिया कि तुम अपने आप को वोट डालो, पहले तुम अपने आप को वोट डालो। बाबा साहेब अंबेडकर ने वोट का अख्तियार दिया। किसने बाबा साहिब अंबेडकर को 1952 में पहला इलेक्शन हराया? दलित ने हराया था बाबा साहिब अंबेडकर को। ये हमेशा लड़ाते हमको, आओ देखो जाओ, दुनिया की कोई ताकत आपको कमजोर नहीं कर सकेगी। किसने हराया था बाबा साहिब अंबेडकर को? क्या ये बात सच नहीं है कि पंडित नेहरू ने सबसे ज्यादा इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया, तो बाबा साहिब अंबेडकर के इलेक्शन में हिस्सा लिया जाकर। और आज कांग्रेस पार्टी फोटो लगाती है, आज कांग्रेस पार्टी कहती है वोट काटने आए। मेरे भाई, संविधान ने हमको आलात दिए, टूल्स दिए, संविधान ने हमको टूल दिया है, अपने हथियार दिया है वोट का। अगर ये पूरा बहुजन वंचित समाज एक हो जाएगा और ये नाम निहाद आला जात के लोग जो हैं, जो बरसों से अपनी कुर्सियों पर हमारे वोट के जरिए हुकूमत कर रहे हैं, हमारे जज्बात को खत्म करके हुकूमत कर रहे हैं, हमारे नौजवानों की जवानी को बर्बाद करके हुकूमत कर रहे हैं, हमारी बहनों को बेवा बनाकर हुकूमत कर रहे हैं, हमारी माओं को उनके गिरेबानों को उजाड़ कर हुकूमत कर रहे हैं, आज वक्त आया है कि बहुजन वंचित समाज के लोग एक होकर, चाहे वो ओबीसी हो, दलित हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, गरीब हो, कमजोर हो, मजलूम हो, आओ एक हो जाओ, वोट अपने आप को डालो। किसको वोट डालेंगे आप? जो आपके आंसुओं को समझ सकता है, जो आपके साथ सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर खाना खाने नहीं आता, जो रोज आपके साथ खाना खाता है, जो रोज तुम्हारी तकलीफ में, तुम्हारे सुख दर्द में साथ देता है, मेरे भाई उन लोगों का साथ दो। लोग बोलेंगे कल टीवी चैनल पर, लोग बोलेंगे प्रकाश अंबेडकर साहिब क्या कर रहे हैं।
दरम्यान भाजपा काँग्रेस राष्ट्रवादीवर ओवेसी यांनी सडकून टीका केली. मोदी सरकारच्या काळात सुरू असलेली पेट्रोल डिझेल दरवाढ, मुस्लिम दलितांवर होत असलेल्या मारहाणीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी सरकारवर कठोर शब्दात टीका केली आहे.